विजेता और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। बिहार में चुनाव का आगाज होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। उधर जनता भी मुख्यमंत्री के 15 साल के काम का लेखा जोखा निकालकर तैयार बैठी है। अब जनता की बारी है रिजल्ट देने की और अगले 5 साल के लिए नई सरकार बनाने की। चुनाव की तारीख करीब है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी सारी प्लानिंग कर ली है। वर्चुअल रैली को एक्चुअल रैली में बदलने के बाद आज से नीतीश कुमार की चुनावी जनसभा की शुरुआत हो गई है और ये जनसभा लगातार 2 दिन तक की जाएगी। आज मुख्यमंत्री ने भागलपुर के सुल्तानगंज से अपनी चुनावी जनसभा की शुरुआत की और ये जनसभा आज बांका के अमरपुर, मुंगेर के तारापुर और पटना के मोकामा में भी होनी है। इसके साथ ही 15 अक्टूबर यानी कल भी 4 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम की जनसभा होगी। कल मुख्यमंत्री लखीसराय के सूर्यगढ़ा, शेखपुरा के बरबीगा, पटना के पालीगंज और जमुई के चकाई विधानसभा क्षेत्र से जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन अब हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। अब तो आप घर घर बिजली दे दिया, अब पूरे गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे ताकि भर रात आपके यहाँ उजाला रहे, अंधेरा नहीं रहे। अब घर में बिजली तो दे दिया, अब उसके आगे सोलर स्ट्रीट लाइट हर गांव में लगवाएंगे और उसके आगे ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गांव में किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहे। शहर की बाकी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिल्क टीवी को फॉलो करें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।